ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द लीब्रा साइन, यानी कि तुला राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है वो कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। एक जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो लेट्स बिगिन और देखते हैं लीब्रा यानी कि तुला राशि के लोगों के लिए ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा। ओके लीब्रा, व्हाट्स गोइंग ऑन? बहुत ज़्यादा टेंशन दिखाई दे रही है। मे बी इट्स अबाउट दैट यू आर काइंड ऑफ अ फेड अप। अब आप चाहते हैं कि आपको कोई अच्छा कनेक्शन मिले, या आप फेड अप हो चुके हैं ऑन एंड ऑफ कनेक्शन के, एंड दैट्स व्हाई यू आर नॉट एंटरटेनिंग एनीबडी। परेशानी दिखाई दे रही है। स्टिल पास्ट इज हॉन्टिंग यू। ऑन द अदर हैंड, अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, देन मे बी दिस पर्सन इज ऑल्सो टेंस्ड, और वो भी परेशान है। हो सकता है कुछ के लिए कोई न्यू एनर्जी हो, मैरिज प्रपोजल हो, बट समबडी स्टिल लाइक दे आर ऑल्सो हर्ट, दे आर ऑल्सो इन पेन। तो मे बी टाइम लग रहा है इस कनेक्शन को आगे बढ़ने में, ये चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि दिस इज़ अ गुड कनेक्शन, कोई है आपके अराउंड कंपैटिबल कनेक्शन, बट देर आर लॉट ऑफ फियर्स आपकी साइड से भी और इस पर्सन की साइड से भी। तो मुझे वो एक फियर्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, थोड़ा रेजिस्टेंस वाली एनर्जी है। शायद कोई वेट कर रहा है, शायद कोई सही टाइम का वेट कर रहा है, फॉरवर्ड मूवमेंट का वेट कर रहा है, मैसेजेस का वेट कर रहा है। तो एक रिजिस्ट का मतलब होता है कि स्टिल ऑन द फेंस, और मे बी वेटिंग फॉर अ पीरियड या ट्रैवल, फॉर वेटिंग फॉर अ ट्रैवल। ये कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट आपके पार्टनर डिफरेंट कंट्री में है, डिफरेंट सिटी में है, डिफरेंट स्टेट में है, तो आप उनको मिलना चाहते हैं तो कुछ हो नहीं पा रहा है, तो चीज़ें उस वजह से ब्लॉक हो रही हैं। सो ऑल इन ऑल आई थिंक अभी फ़िलहाल कोई मुझे बहुत ड्रास्टिक मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है। शायद हो सकता है इस चीज़ के लिए प्लान आउट करने की ज़रूरत है। ओके, अब करियर की बात करते हैं फॉर ऑल द लीब्रा। ओके लीब्रा, आई थिंक आपके काम में, ऑल दो यू आर इन टू अ गुड पोजिशन, मुझे ऐसा लगता है यू आर डूइंग गुड, एक्सेप्शनली वेल। बट द पॉइंट हियर इज़, बात करें अगर काम वर्क प्लेस पर, तो मुझे ऐसा लगता है इट्स ऑल अबाउट लिटिल बिट कॉन्फ्लिक्ट। मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ चेंज विद अ डेथ कार्ड, गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। चेंज हो सकता है कि कुछ चेंज आपने महसूस किया है, या कुछ चेंज आया है, यू नो लाइक गोइंग फ्रॉम समथिंग, या किसी चीज़ के थ्रू निकलना। इट्स ऑल अबाउट दैट, यू नो लाइक आप किसी चीज़ में से निकल रहे हैं, निकल के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और फिर कहीं और नया दरवाज़ा खुल रहा है, तो मे बी दैट काइंड ऑफ अ थिंग, या न्यू फेज, और मे बी इट्स अबाउट चेंज इन योर जॉब। बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आई थिंक यू विल ओवरकम इट। आप उस चीज़ को ओवरकम कर लेंगे, यू विल बी कंटेंट, यू विल बी लाइक करियर वाइज आई थिंक यू विल। और कुछ के लिए हो सकता है, कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपनी ग्रोथ के लिए बहुत सारी चीज़ें करेंगे। अगर आपको आगे भी बढ़ना पड़े तो यस, अगर पीछे कुछ छोड़ के आगे बढ़ना पड़े तो वो भी आप करेंगे। ओके, तो लीब्रा, क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द लीब्रा पीपल फॉर दिस वीक? एंजल्स प्लीज हमें बताइए। डोंट कैरी बर्डन, डोंट टेक स्ट्रेस। जब स्ट्रेस लेने का मन करे ना, तो मेडिटेशन कर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए, अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन कर लीजिए, क्योंकि चिंता से कुछ नहीं होगा, चिंतन से होगा, तो चिंतन कर लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। एंड पेशेंस रखिए, यू नो कि जब चीज़ का टाइम होगा, सही टाइम आएगा, तो वो चीज़ अपने आप सॉल्व आउट हो जाएगी। एंड दूसरा ये है कि सो मेनी थॉट्स कमिंग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, यू नो। सो एक फ्रेज सुना है आपने, ओनली डेड फिश स्विम विद वाटर, यू नो। तो वो चीज़ आपने नहीं करनी है। अपने थॉट्स पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, यू हैव दैट, आपके मन में वो है, आपके अंदर वो जज्बा है, दैट यू कैन कंट्रोल योर थॉट्स, कि आपको किस चीज़ को एंटरटेन करना है, किस चीज़ को नहीं करना है, वो चीज़ आपको करना होगा कहीं ना कहीं आके। येस ऑफ कोर्स, क्योंकि लीब्रा बहुत, आई थिंक बहुत ज़्यादा कभी कभी ओवर थिंकिंग करते हैं, शेल में चले जाते हैं, सोचते रहते हैं क्यों, क्या, कैसे, कब,
ठीक है, तो वो चीज़ है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग, टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।